हेलो दोस्तों, एक वीडियो जो कि इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को घसीट घसीट करके मात दे दी है, पछाड़ दी है। यार इंडियन आर्मी बेस्ट एंड द चाइनीज साइड इज इक्वली वरीड। तो आखिर यह पूरा माजरा क्या है, आइए जानते हैं डिटेल में। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर को लेकर के खासतौर से पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच काफ़ी टेंशन चल रही है और गलवान घटना के बाद तो माहौल और भी काफ़ी गर्म हो चला है। लेकिन बात करें चाइना और इंडिया की, तो अब दोनों देशों के बीच कंपटीशन की भावना भी काफ़ी बढ़ चुकी है, चाहे वो दोनों देशों यानी भारत और चीन की आर्मी के बीच हो या फिर दोनों देशों के बीच ट्रेड का मामला हो। और इसी बीच अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि देखा जा सकता है कि भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने खड़े हैं और दोनों टग ऑफ वार यानी रस्साकसी कर रहे हैं। और इसमें दोनों देशों के सैनिक अपने अपने तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि सामने वाले प्रतिद्वंदी को अपने बल का प्रयोग करते हुए हरा दें। साथ में यह भी देखा जा सकता है कि दोनों देशों के समर्थक अपने अपने देश के सैनिकों के लिए नारे लगा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। लेकिन भारतीय सैनिकों ने आसानी से चीनी सैनिकों को टग ऑफ वार यानी इस रस्साकसी में घसीटते हुए पछाड़ दिया, जिसके बाद भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ी। आपको बताते चलें कि दरअसल यह एक कंपटीशन गेम था जो कि यूएन पीस कीपिंग के तहत साउथ अफ्रीका के सूडान के अंदर भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच रखी गई थी, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के ऊपर ओवर पावर करते हुए आसानी से चीनी सैनिकों को हरा दिया। ताकि एक फ्रेंडली गेम था, लेकिन जीत तो आखिर जीत होती है, और अगर यह जीत चीनी सैनिकों पर मिली तो उसका मजा ही डबल हो जाता है। और उसका साफ कारण है कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से दोनों देशों के बीच यानी भारत और चीन के बीच न सिर्फ बॉर्डर के ऊपर दोनों आर्मी के बीच काफ़ी झड़पें हुई है, और साथ ही साथ चाइना जिस तरह से अपने आप को भारत के सामने दादा बनने का या कहें कि एरिया का बॉस बनने का प्रयास कर रहा है, जिससे भारत और भारतीयों के मन में 50-60 साल पहले जो चीन के प्रति दुश्मनी और संशय का जो भावना था वह उभर आया है। भारत और भारतीयों के सामने 1962 का चीन नजर आता है, जिसने भारत के पीठ में खंजर भोंका था और भारत के ऊपर एक युद्ध लाद दिया था, जिसमें भारत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।